भारत में बॉयकॉट मालदीव अभियान के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने चीन से मालदीव में और ज्यादा पर्यटकों को भेजने की अपील की। मुइज्जू को डर सता रहा है कि अगर भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं पहुंचते हैं तो उनके देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। क्या है पूरी खबर जानने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर राजनयिक विवाद पैदा हो गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। भारत के साथ टकराव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने डिमांड करते हुए कहा कि चीन को उनके देश में और अधिक पर्यटकों को भेजना चाहिए। मालदीव विदेश मंत्रालय के डाटा के अनुसार साल 2023 में मालदीव पहुंचने वाले चीनी यात्रियों की संख्या 187118 थी, जो कुल पर्यटकों की संख्या का 10% है। मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में चीन का स्थान तीसरा है, जबकि पिछले कई साल से भारत शीर्ष पर है। मुइज्जू ने जिनपिंग की जमकर की तारीफ। चीन की अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन मुइज्जू ने मंगलवार को फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए चीन को द्वीपीय राष्ट्र का निकटतम सहयोगी बताया। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा, चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने मालदीव के इतिहास में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान की हैं। चीन से और अधिक पर्यटक भेजने का किया आग्रह। मुइज्जू ने चीन से अधिक संख्या में मालदीव में अपने पर्यटकों भेजने का आग्रह किया। मुइज्जू की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किए गए एक बयान के अनुसार, कोविड से पहले चीन के पर्यटक सबसे अधिक संख्या में हमारे देश में आते थे और मेरा अनुरोध है कि चीन इस स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करे। वहीं मालदीव की मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप में एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जानते हैं मुइज्जू ने क्यों की चीन से अपील। मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद एक राजनयिक विवाद सामने आई है, जब मोदी ने लक्षद्वीप की अपनी हालिया यात्रा के दौरान एक प्राचीन समुद्र तट पर अपना एक वीडियो साझा किया था। मुइज्जू की सरकार ने सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट के लिए 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है। किस देश के पर्यटक सबसे ज्यादा मालदीव जाते हैं? मालदीव के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में देश के लिए सबसे बड़ा पर्यटक बाजार बना हुआ है। पिछले साल मालदीव में सबसे अधिक 209,198 भारतीय पर्यटक पहुंचे थे। इसके बाद 209,146 रूसी पर्यटक और 187,118 चीनी पर्यटक पहुंचे थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।